हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक सेठा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी पापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। अब देखो, याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो हमने ये पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करें तब क्या बनता था, बेस। याद है ना, माओ बी। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। अब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर जनरेट होता है, बी अ सुपर वुमन। तो सेम वे जब हम एसिड के साथ किसी बेसिक मटेरियल को ऐड करेंगे, जैसे कि ये मेटेलिक ऑक्साइड, तो चलो यहां से इतना क्लियर होगा कि एसिड की रिएक्शन कराओ किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मतलब एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहां पे एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, एक्टिविटी 2.7। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो पता चलेगा, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। कॉपर ऑक्साइड आपको लेना है एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग। ठीक है, नॉट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले लो, HCl। देखो हम यहाँ पे ये मैनर में लिखते हैं, एसिड मतलब कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड हमने यहाँ पे लिया, क्या बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट क्या बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड। और यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा मतलब H2O, बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म में था। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड आपने लिया था एक्वस फॉर्म, ये सॉरी सॉलिड फॉर्म, CuCl2 एक्वस फॉर्म, और ये आपको मिला लिक्विड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे मिलेगा वाटर। ठीक है, अब कलर के साथ क्या हुआ होगा, तो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। ओके, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो सॉल्यूशन है वो बनेगा ब्लू ग्रीन कलर का, और वो किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ओके, तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, तो नाव ए, याद है आपको, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको वाटर में ऐड करूँ तो मुझे एसिड मिलता है, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है वो कैसी है, एसिडिक। एसिडिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को आप बेस के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसीलिए यहाँ पे बनेगा बनो सॉल्ट प्लस वाटर सुपर वुमन। ठीक है, बनो सुपर वुमन, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी प्लस एन ओ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice।
प्लस कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है वो नॉन मेटल है और उससे जो ऑक्साइड बना वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज होगा। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो सॉल्ट यहाँ पे बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके हमें वाइट प्रेसिपिएट्स मिल रहे थे, ठीक है, और वाटर H2O। अब बैलेंसिंग करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप कि कैल्शियम वन टाइम, कार्बन वन टाइम, कार्बन वन टाइम, ऑक्सीजन देखो तो 2+2 4 times, यहाँ पे 3+1 4 times, हाइड्रोजन टू टाइम, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में है, और बैलेंस कंडीशन में है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन आप खुद भी लिख सकते हो। सपोज आपको कोई दूसरा एग्जांपल सोचना है तो यहाँ पे ले लो NaOH, यहाँ पे कोई भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, ठीक है। सपोज मैंने लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब देख लो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तो सोडियम दोनों तरफ 2 times है, ऑक्सीजन 5, तो यहाँ पे 4+1 5, सल्फर 1 time है और हाइड्रोजन 2 times है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, ठीक है। सभी एसिड और सभी बेसिस में कॉमन क्या होता है, तो उसके लिए देखो इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, what leads to this similarity in properties, we saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal, acid plus metal, ठीक है ना। तो salt plus hydrogen gas था, मतलब hydrogen gas generate होता है हर एक acid के केस में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं so hydrogen seems to be common to all acids, let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic or not। तो यहाँ पे है activity 2.8, अच्छे से देखना हमने किया क्या है कि एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर नेल है और एक रबर कॉर्क है जिसमें हमने नेल्स को फिट किया हुआ है, और नेल का एक टर्मिनल है वो किसके साथ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरा जो है वो पास हो रहा है स्विच में से, और स्विच में से बल्ब में से पास होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास। बट यहाँ पे आप देखो बीच में गैप है, यहाँ पे गैप है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी जब तक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ऐसे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कम यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगी, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से पास होना है तो क्लोज्ड पाथ मिलना ज़रूरी, क्लियर। अब देखो टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, सभी में हाइड्रोजन है। हमें ये चेक करना है कि ऐसे केमिकल्स जिनके पास हाइड्रोजन है वो कंपल्सरी एसिड होगा कि नहीं, ठीक है। फिक्स टू नेल्स ऑन कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 terminals ऑफ 6-volt बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर। नाउ पुअर सम dilute HCl in the beaker and switch on the current।
Repeat the dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? देखो यहाँ पे HCl H2SO4 के केस में बल्ब है वो ग्लो करेगा. क्यों? क्योंकि वो एसिड्स है और जब वाटर सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करेंगे तब समझना कि सपोज HCl है और उसको हमने वाटर के अंदर ऐड किया तब क्या हुआ, H प्लस और Cl माइनस आयन सेपरेट हुए और ये जो H प्लस आयन है वो एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था H प्लस अकेला स्टेबल नहीं रह सकता, इसीलिए वो वाटर के साथ कंबाइन होके H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाता है और उसी को हम H प्लस एक्वस फॉर्म में लिखते हैं. तो यहाँ पे आयन्स जनरेट हुए हैं जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने में हेल्प करते हैं. जैसे यहाँ पे इतने पाथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं है, बट अंदर हमने जब HCl डाला तब H प्लस आयन और Cl माइनस आयन जनरेट हुए, आयोनिक सॉल्यूशन बना तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, इसीलिए बल्ब ग्लो हुआ. बट कौन से दो केस में? सिर्फ HCl और H2SO4 के केस में. अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन के केस में भी ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो आप बोल सकते हो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स. ओके, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Glowing of bulb indicates that there is flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the solution by ions. ठीक है, तो ये जो है उसको बोला जाता है cations. Okay, since the cation present in acids is H+, जो पॉजिटिव आयन होगा उसको क्या बोलोगे आप, cation. ठीक है, this suggests that acids produce हाइड्रोजन आयन H प्लस एक्वस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज. मतलब जो सॉल्यूशन जो सब्सटेंस है वो पानी के अंदर H प्लस आयन जनरेट करे एक्वस फॉर्म में, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि एसिडिक है. अब इसी प्रॉपर्टी को हम बेसिक नेचर वाले कोई सब्सटेंस के साथ रिपीट करें तो भी सिंपल है. सपोज NaOH के साथ आपने रिपीट किया तो Na प्लस और OH माइनस आयन आपको मिलेगा. मतलब जो सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करता है वो हम बोल सकते हैं कि बेसिक है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आपको कंडक्ट होती हुई नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे भी आयन्स जनरेट हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो यही एक्टिविटी आप बेस के साथ जब करोगे तो आपको करना क्या होगा, सेम कंस्ट्रक्शन रखना है. सेम कंस्ट्रक्शन, फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो बदल देना है. सिर्फ क्या ले लेना है, सपोज़ सॉल्यूशन ले लिया आपने NaOH का, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर CaOH ट्वाइस का. ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर सपोज़ CaOH ट्वाइस लिया है तो Ca प्लस 2 और 2 टाइम्स OH माइनस जनरेट होगा और जिसकी वजह से बेसिक प्रॉपर्टी मिलती है. अब आप देखोगे लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट. सपोज़ मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में ले लूँ तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट करता है, रेड में. बट अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले लूँ तो मुझे ये इफेक्ट नहीं मिलेगी, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट नहीं होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि HCl है वो कौन सा है, एसिडिक बिहेवियर वाला है. बट ये एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब H प्लस आयन वो रिलीज कर सके और H प्लस आयन रिलीज करने के लिए उसके पास कोई ना कोई मीडियम होना ज़रूरी.
तो जैसे ही मैं ये HCl को पानी के साथ डाइल्यूट कर दूँ, मतलब मैंने क्या बना दिया, HCl ही बस एक्वस फॉर्म में, पहले गैसियस फॉर्म था, अभी कौन सा फॉर्म आ गया, एक्वस फॉर्म। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि ये H2O वाटर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब एक्वस फॉर्म के अंदर ये H प्लस आयन HCl माइनस आयन जनरेट करेगा, H प्लस आयन वाटर के साथ मर्ज होके बना देगा H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब या तो लिटमस पेपर वेट होना चाहिए, ड्राई लिटमस पेपर नहीं चलेगा, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या तो कोई भी एसिड है वो एक्वस फॉर्म में होना ज़रूरी, क्लियर। तो ये टॉपिक में हमें इतना पता चला, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो एसिड्स के पास हम बोल सकते हैं एसिड में कॉमन क्या होगा, तो वाटर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन या तो H प्लस एक्वस आयन जनरेट होगा, और बेसिस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होगा, OH माइनस आयन, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। चलो यहाँ तक क्लियर है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस हमने कर लिया, और रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस एसिड्स हमने कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी को ये तीन टॉपिक में कहीं पे भी डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो एक बार टेक्स्ट बुक रिफ़र कर लेना और टेक्स्ट बुक के एक एक वर्ड को अच्छे से समझ लेना, कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।